तो आज का वचन है इब्रानियों से, इब्रानियों 3:7-8। हालेलुया, इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो, 8वां वचन, तो अपने हृदय को ऐसे कठोर ना करो जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया था। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद करिए। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। तू महिमा और आदर के योग्य है परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर का हमसे क्या कहता है? परमेश्वर हमारी बुद्धि खोलिए, इन भाई बहनों की बुद्धि खोलिए, ताकि इस वचन को अच्छी तरीके से मेरा भाई मेरी बहन समझ सके। परमेश्वर समझ परमेश्वर दीजिए, ताकि हम उस वचन को, तेरी तेरी क्रिया को, तेरी योजना को, तेरे काम को, परमेश्वर तेरे ज्ञान को प्राप्त कर सकें और परमेश्वर तेरा आशीष पाएं। परमेश्वर यस लॉर्ड, तेरा आशीष पाएं, सुख पाएं। इस पूरे कलीसिया को आपके पवित्र सामर्थ्य लहू से रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की, आमेन, हालेलुया। अब ये वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा किससे क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुम आज मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। ये कठोरता कहां से आती है और किस आवाज की बात कर रहा है? किस ज्ञान की बात कर रहा है पवित्र आत्मा? किस परीक्षा की बात कर रहा है? यहां पर पवित्र आत्मा द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे पूर्वजों ने 40 साल तक मेरी आवाज नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे ज्ञान को नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, और वो सब मर गए, वो प्रॉमिसिंग लैंड तक नहीं पहुंच पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आज उसकी इच्छा प्रकट हुई है। वो क्यों है इस धरती पर? देखिए मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर आपको सृजना चाहता है, संवारना चाहता है, बनाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको चुना, आपकी आत्मा को जिंदा किया, आपके मन को नया किया, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल दिया, यीशु मसीह का मन आप में उड़ेल दिया और अपनी आत्मा आप में रखी। क्यों रखी? वही आत्मा कह रही है कि अगर आज तुम मेरा स्वर सुनो, अगर आज तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। वो कठोरता जो तुम्हारे अंदर है उसको निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरी तरीके से नया कर चुका है, परमेश्वर आपको नया बना चुका है। अगर आपकी कठोरता आपके शरीर में रहेगी, आपके मन में रहेगी, तो परमेश्वर आपको कैसे सृजेगा? वो कंकड़, वो पत्थर अगर आपके अंदर अभी भी हैं, तो वो स्वरूप जो कुम्हार एक मिट्टी को देता है वो कैसे परमेश्वर देगा? क्योंकि वो निकालना चाहता है, इसलिए उसकी आवाज को पहचानो, इसलिए उसको सुनो, इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके अंदर उड़ेली है, आपके अंदर रखी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता पवित्र आत्मा? परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपको सृष्टा है, परमेश्वर आपको चुनता है। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, और चुना किसके लिए? ताकि तुम्हें सृजूं, ताकि मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाऊं, ताकि मैं तुम्हारे जरिए, तुम्हारे द्वारा अपने राज्य को बढ़ाऊं, इस दुनिया को बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारे मन को नया करूं, तुम्हें बुद्धि को ज्ञान दूं, तुम्हें समझ दूं कि मेरी इच्छा क्या है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर, हे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। लेकिन कैसे उसकी इच्छा जमीन पर कैसे पूरी होगी? हमारे द्वारा। वो जमीन पर, वो पृथ्वी पर काम करना चाहता है किसके द्वारा? हमारे द्वारा। उसने हमें रचा है अपनी समानता, अपने स्वरूप में। वो अपनी बुद्धि हमें देना चाहता है उस आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर है। हमने उस आत्मा को पाया है। दूसरा कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियन 2:12, हमने उस आत्मा को पाया। मेरे भाई, हम बहुत शक्तिशाली, बहुत सामर्थी हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम अपने शरीर को देखते हैं कि मेरे शरीर में क्या क्या है, हम अपने शरीर को निहारते हैं। बाइबल कहती है महसूस करिए कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, कौन है आपके अंदर,
कौन है जो आपको सशक्त करता है, कौन है जो आपको ज्ञानी बनाता है, कौन है जो आपको शैतान से दूर करता है, पवित्र करता है, कौन है? दूसरा पहला कुरिन्थियन 2:12, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है, आगे परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परंतु वह आत्मा पाया है जो किसकी ओर से है, बोलिए परमेश्वर की ओर से, वो आत्मा जोर से बोलिए, वो आत्मा जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है, क्यों बोलिए, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों अपनी उस आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा सृष्टि रची गई, ताकि हम उन बातों को जाने, उस ज्ञान को जाने, उस योजना को जाने, उस स्वर्गीय बातों को जाने जो परमेश्वर हमें दे चुका है, दे चुका है। किस ज्ञान की बात यहां पर कर रहा है परमेश्वर? यहां पौलुस ज्ञान की बात कर रहा है, दूसरा इसी का 7वां निकालिए, इसी का 7वां, देखिए ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने वो आत्मा हमारे अंदर, संसार की आत्मा नहीं, किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर उड़ेली है ताकि हम वो ज्ञान हासिल करें। कौन सा ज्ञान? 7वां, परंतु हम परमेश्वर की वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। वो ज्ञान जिसको हम पाएंगे तो हमारी महिमा होगी, वो ज्ञान जब हमारे अंदर जाएगा तो हम अंधकार से दूर हो जाएंगे, वो ज्ञान जब हमारे अंदर जाएगा तो सशक्त महिमा के साथ हम इस धरती पर चलेंगे। वो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रचा है, वो ज्ञान जो परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचने से पहले, हमें बनाने से पहले हमारे लिए रचा है, वो ज्ञान परमेश्वर हमें देना चाहता है। आप यूं ही मत समझिए कि आपको चुन लिया है। देखिए एक पेड़ फल लाता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन एक माली पहले बीज बोता है, उस बीज का पौधा उगता है, प्रेज द लॉर्ड, फिर उस पौधे को वो रोज सींचता है, उसको प्रकाश मिलता है, उसको खाद मिलती है, उसको पानी मिलता है, तब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और एक दिन उसमें फल लगते हैं, एक दिन उसमें फल लगते हैं और वो फल सबके काम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही क्रिया परमेश्वर हमारे संग करता है। परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे अंदर बीज बो दिया, यीशु के नाम का बीज बो दिया, उसके सुसमाचार का बीज बो दिया, पवित्रता का बीज बो दिया, धार्मिकता का बीज उसने बो दिया और हम एक पौधा बन गए। लेकिन परमेश्वर यही रुकना नहीं चाहता है, परमेश्वर यही रुकना नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो निरंतर आपको खाद डालता रहे, भोजन देता रहे, अपनी ज्योति देता रहे, निरंतर। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, निरंतर। जो माली है, किसान है, वो निरंतर उसको खाद डालता है, निरंतर उजाले में आता है, निरंतर पानी उड़ेलता है। यही परमेश्वर हमारे संग करना चाहता है। और जब हम निरंतर, हम क्या करते हैं कि हम पौधा बनकर संतुष्ट हो जाते हैं, हम पौधा बने, हम समझे यीशु मसीह के बन गए और हम संतुष्ट हो गए, नहीं, हम क्यों नहीं फलते? क्योंकि हम उस फल को, उस खाद को लेना नहीं चाहते, हम उस रोशनी को अपने जीवन में अहमियत नहीं देते, उस वचन को अपने जीवन में अहमियत नहीं देते जो हमारे अंदर से फल लेकर आएगा। आजकल जो मसीह हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के 9 फल क्यों नहीं है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है उसके पास कितने फल हैं?
हेलो, कितने फल हैं? नौ फल हैं। वो कब आएंगे आपके अंदर? वो कब आपके वृक्ष पे लगेंगे? वो कब आपके पेड़ पौधे में लगेंगे? वो कब आप में दिखेंगे? जब आप उसका भोजन, जब वो रोशनी उसकी ज्योति लेंगे, जब आप परमेश्वर की खाद लेंगे, उस वचन को लेंगे, तब वो वचन, तब वो नम्रता आप में दिखेगी, दीनता आप में दिखेगी, सहनशीलता आप में दिखेगी, विश्वास योग्यता आप में दिखेगा, संयम आप में दिखेगा, प्रेम आप में दिखेगा। ऐसे नहीं दिखेगा, ये एक दिन की क्रिया नहीं है मेरी बहन, ऐसे नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको अपने आप को समर्पित करके प्रभु से कहना है, परमेश्वर मुझ पर अपनी धार्मिकता की बौछार करता रहे, अपने वचनों की बौछार करता रहे। हे पवित्र आत्मा, मुझे भूख लगे तेरे वचनों की, अपनी भूख को बढ़ाइए, तब आप उसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जो कि मिल चुका है। इसी का नवा देखिए, नवा, हम हमारी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हम तो अपने जीवन में वो चाहते हैं जो कि किसी के पास ना हो। हम महिमा चाहते हैं, धन चाहते हैं, नाम चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते? हालेलुया, चाहते हैं। जो चीज दिखती है वो हम चाहते हैं। कोई प्लेन में घूमता, हम चाहते हैं हम प्लेन में घूमें। किसी के पास गाड़ी, हम चाहते हैं गाड़ी में घूमें। किसी के पास घर है, हमारे पास घर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हम हर चीज चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है, देखिए नवा क्या कहता है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आपकी आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में यानी कि मन में नहीं समाई हैं, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वही है जिसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, कर चुका है, वो काम कर चुका है। छह दिन उसने सब कुछ कर लिया है, अब उसे कुछ नहीं करना है, अब उसे कुछ नहीं करना है। आपके लिए वो बातें उसने तैयार की हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी, आपके लिए वो सुख उसने तैयार किए हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या इज़राइलियों ने कल्पना की थी कि हमें मन्ना खाने को मिलेगा, ऐसा स्वाद जो स्वर्गीय है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर धरती पर रखकर आपको स्वर्ग के काबिल बनाता है। आपको ऐसा स्वाद, आपको वो चीज खिलाता है जो स्वर्गदूतों की, जो स्वर्गदूतों का भोजन है वो इज़राइलियों को मिला। मन्ना कौन खाता है? स्वर्गदूत। वो भोजन इज़राइलियों को मिला, अपनी प्रजा को दिया, अपने बच्चों को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो बातें आपने नहीं देखी, जो बातें आपके चित्त में नहीं समाई, वही परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की हैं। और दसवें का पहला भाग पढ़िए जरा, दसवें का, इसकी दसवें का पहला भाग, दूसरा कुरिन्थी, हाँ आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हालेलुया। बस जिन बातों को आपने नहीं देखा, जिन बातों को आपने नहीं सुना, जो बातें आपके चित्त में नहीं समाई हैं, उनको परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। वो आत्मा जो परमेश्वर ने दी है उसको सब कुछ पता है, वो परमेश्वर के ज्ञान को जानता है, वो जानता है कि आपको क्या परमेश्वर ने दिया, आपको क्यों परमेश्वर ने चुना। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम मेरी आज आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो, इधर से सुनकर इधर मत निकालो। मेरी आवाज, क्योंकि मेरी आवाज में वो ज्ञान है, मेरी आवाज में वो शक्ति है, मेरी आवाज में परमेश्वर की ज्योति है, और वो आवाज पवित्र आत्मा, वो ज्ञान पवित्र आत्मा, वो संदेश पवित्र आत्मा आपके लिए लिए आपके अंदर बैठा है, और आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे। हम उसकी कदर नहीं करते, हम उस कीमत को नहीं जानते जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई है।
उस कीमत को। हालेलुया, बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस मेरी आत्मा की आवाज सुननी है, अपने आप को तैयार करना है, संसार से दूर कर संसार से अलग कर तुझे आवाज सुनने के लिए तैयार रहना है। कब वो आत्मा आपसे बोलेगी, कब उसकी आत्मा आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियन 3:16-18, और जैसे ही आप उसकी आवाज सुनते हैं, जैसे ही आप वो ज्ञान हासिल करते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, जैसे ही वो सुख, जैसे ही उस ज्ञान को, उस शक्ति को आप समझते हैं, उसी पल क्या होता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। हालेलुया। क्या था हमारे बीच में जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, क्या था? एक पर्दा लगा हुआ था, एक पर्दा हमारी आंखों के सामने था, हमारी बुद्धि के सामने पर्दा था। हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, हम समझते थे कोई शक्ति है, कोई है, हम नहीं जानते थे वो कौन है, क्योंकि हमारे सामने एक पर्दा लगा हुआ था, हम देख नहीं पा रहे थे। वो था, हम देख नहीं पा रहे थे, वो बोलता था, हम सुन नहीं पाते थे, वो कार्य करता था, हम महसूस नहीं कर पाते थे। बैठिए अम्मा, बैठिए। हालेलुया। तो जैसे ही हम वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे ही उसकी आवाज सुनते हैं, जैसे ही हम प्रभु को जानते हैं, वो पर्दा हमारे सामने से निकल जाता है, और परमेश्वर उस पर्दे को हटाकर आपको बताता है कि आप कहां थे, अंधकार में थे, अब आप कहां पर हैं, ज्योति में। पहले आप कहां थे, बंधन में थे, आज आप कहां पर हैं, आजाद हैं। इसका 18वां पढ़िए, 17वां। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमेन। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र होने के लिए चुना है, गुलामी के लिए नहीं, आपको आजादी दी है परमेश्वर ने, और उसके लिए अपना वचन आपके अंदर बोया है कि आप उस वचन को पाकर स्वतंत्र हो जाएं, आजाद हो जाएं, इन संसारिक रीति रिवाजों में, इन संसार के शैतान के सामने घुटने ना टेकें। मौत के सामने हारे नहीं, मौत से डरे नहीं, क्योंकि वो पर्दा आपको डराता था। जब वो पर्दा आपके सामने था, आप मौत से डरते थे, आप शैतान से डरते थे, आप अंधकार में काम करते थे, आप पाप करते थे, हर वो काम करते थे जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन करते थे क्योंकि आप अंधकार में थे, आपके पास ज्योति नहीं थी। मैं बॉलीवुड से हूं, कई फिल्मों में मैंने एक्ट किया एज ए हीरो, लेकिन अंधकार में था, पर्दा था मेरे सामने, मैं रोता था, कौन है प्रभु, कौन है, कहां है, मैं कहां जाऊं, मुझे कोई नहीं मिलता था। सोमवार को कहीं और जाता था, मंगलवार को कहीं और जाता था, बुधवार को कहीं और जाता था, भटकता था, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन सी शक्ति है, लेकिन मेरे आंखों के सामने पर्दा था। लेकिन धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे चुना, यीशु मसीह ने मुझे छुआ, और वो पर्दा मेरे सामने से हट गया। मेरे भाई, जिस दिन आप महसूस करें कि वो पर्दा आपके सामने से हट गया है, बहुत जरूरी है कि हम उस आजादी को महसूस करें, उस कीमत को जानें। परमेश्वर ने उस पर्दे को हटाने के लिए हमारे आंखों के सामने से बहुत बड़ी कीमत दी है, बहुत बड़ी कीमत दी है। हमने कुछ नहीं किया, उसने हमारे संग वाचा बांधी है, और उस वाचा में बलिदान वो हुआ है, लहू उसने बहाया है, कोले उसने खाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप वाचा का मतलब समझते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जो पति पत्नी में होता है वो अलग है, वाचा अलग है। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? पत्नी ने कहा हां,
मैं तुम्हारे दुख सुख में साथ दूंगी। पति ने कहा मैं तुम्हारे दुख सुख में साथ दूंगा। दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए और कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तुम भी काम करोगी मैं भी काम करूंगा। यहां पर क्या है? यहां परमेश्वर वाचा बांध रहा है। क्रूस का बलिदान उसने अपने पुत्र को दिया, लहू उसने अपने पुत्र का बहाया, कोड़े उसने अपने पुत्र को लगवाए, हाथों को छलनी उसने अपने पुत्र के किया। आपसे उसने क्या कहा? सिर्फ विश्वास कर, सिर्फ विश्वास कर। वाचा उसने बांधी है और हम जैसे ही विश्वास करते हैं उस वाचा में बंध जाते हैं। हमें सिर्फ विश्वास करना है, हमें सिर्फ विश्वास करना है मेरे भाई मेरी बहन। हमारा विश्वास ही हमें शक्ति देता है, हमारा विश्वास ही हमें ज्ञान की तरफ लेके जाता है, हमारा विश्वास ही हमें आजादी देता है। हमारा विश्वास जो हमारे अंदर है, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह का है। इसलिए जब उसकी आवाज सुनो तो कठोरता अपने मन में मत लाओ, अपने मन को कठोर मत करो, संदेह मत करो, क्योंकि जैसे ही वो पर्दा आपके आंखों के सामने से निकल जाएगा आपको एक आजादी का अनुभव होगा। आपको लगेगा कि मेरा मन परिवर्तित हो गया है। आपके अंदर दया आएगी, आपके अंदर दीनता आएगी, आपके अंदर नम्रता आएगी, आपके अंदर प्रेम आएगा। आप अपने दुश्मनों से प्यार करने लगेंगे, जो आपको सताते आप उनके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। हालेलुया। आपका मन करेगा किसी को आप खाना खिलाएं, किसी की सेवा करें, आप किसी के काम आए। आप ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है परमेश्वर के द्वारा वो कर रहा है, क्योंकि वो पर्दा आपके सामने से हट गया है, क्योंकि आप आजाद हो गए हैं मेरे भाई। और 18वां क्या कहता है? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके चेहरे से वो पर्दा निकलता है, जब आप आजाद होते हैं तो क्या होता है मेरे भाई? देखिए, परंतु जब सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकट होता है, किसका प्रताप प्रकट होता है आपके चेहरे पर? उस समय प्रभु का प्रताप प्रकट होता है, प्रभु का नूर आपके चेहरे पर आता है। आप अपने आप को देखते हो और आपको अपनी चमक दिखती है। लोग आपसे कहते हैं कि क्या हुआ, आपका परिवर्तन देखकर लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं। कोई आपसे जलता भी है, कोई आपसे घृणा करता है, कोई आपकी तारीफ करता है, वो आपके करीब आता है, कोई आपसे कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का प्रताप आपके चेहरे पर दिख रहा है, परमेश्वर का प्रताप आपके कर्मों पर दिख रहा है, आपके ऊपर आता है, क्योंकि आपके चार आपकी आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है, आप स्वतंत्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। लेकिन उस आजादी को समझिए, उस आजादी को महसूस करिए, उस आजादी की शक्ति को हमेशा अपने साथ रखिए। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके हम बदलते जाते हैं। कब? जब परमेश्वर का प्रताप हम पर प्रकट होता है, तो परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे अंदर दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता है, वो शक्ति हमारे अंदर, वो पवित्रता हमारे अंदर, उसकी धार्मिकता हमारे अंदर जब काम करती है, तो हम अंश अंश करके रोज बदलते हैं। आप अपने आप को जांचिए, आप सोचिए कि जब आप पहले दिन यहां पर आए थे तो क्या थे, और आज जब हैं तो क्या हैं। आप अंश अंश करके बदल रहे हैं। हमें अभी और बदलना है, हमें अभी और उसके स्वरूप में आना है, हमें अभी और ज्ञान को प्राप्त करना है। इसके लिए हमें अपने मन को खुला रखना है, अपने कानों को खुला रखना है कि कब पवित्र आत्मा, कब परमेश्वर हमसे बात करे और हम उसके मुताबिक अपने जीवन को जिए। इसलिए प्रार्थना में अपने जीवन को गुजारना है, प्रार्थना में अपने समय को गुजारना है, प्रार्थना में परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि वो कहता है
इर्मिया 33:3, तू प्रार्थना कर मेरे करीब आ और मैं तुझे वो कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता, वो गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप जिन बातों को कठिन समझते हैं उसके लिए मामूली है, आपके लिए आपकी समस्या कठिन हो सकती है, आपके लिए आपके कर्ज कठिन हो सकते हैं, आपके लिए आपके रिश्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए आपका बॉस कठिन हो सकता है कि उसको कैसे बदले, आपका पड़ोसी आपके लिए कठिन हो सकता है, आपका पति आपके लिए कठिन हो सकता है, आपका पिता आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना कर और मेरे करीब आ, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है, प्रार्थना ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। प्रार्थना ही है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, आप सच मानिए, परमेश्वर हमें अपने पंखों के तले छुपा लेता है, शैतान की निगाह हम पर नहीं पड़ती है। अय्यूब का 28 निकालिए, अय्यूब 28 में अगर हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है। हालेलुया, अय्यूब की किताब को निकालिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, अय्यूब की किताब को 28 में, प्रेज द लॉर्ड, 28:7। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना करता है, उस जिस मार्ग पर प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास बैठता है, उस मार्ग को शैतान नहीं देख पाता, शैतान की निगाह में वो नहीं आता है। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों तरफ छावनी बनाकर आपकी रक्षा करते थे। उस मार्ग पर शैतान काम नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का एक और देखेंगे, हालेलुया। 9, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। कौन से पहाड़? जो आपके सामने, आप समझ रहे हैं, आजमाइशों के पहाड़ हैं, मुसीबतों के पहाड़ हैं, दुख के पहाड़ हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरी बहन, तो परमेश्वर के आशीष से आप उन पहाड़ों को जड़ से अलग कर देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जिन पहाड़ों की वजह से आपको रातों की नींद नहीं आती है, जो पहाड़ आपको बीमार कर देते हैं, आमीन, जो पहाड़ आपको शैतान के करीब लेकर जाते हैं, उन पहाड़ों का खौफ दिखाकर, उन पहाड़ों का डर दिखाकर शैतान आपको अपने कब्जे में कर लेता है और आप दबक कर उसके पास हो लेते हैं। मेरी बहन, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है, प्रार्थना एक ऐसी ज्योति है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है और शैतान से दूर करती है। हम अपने हर पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रार्थना की शक्ति है, आपके पास प्रार्थना का अधिकार है, हथियार है। लेकिन क्या होता है, शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। शरीर प्रार्थना से नफरत करता है, आपको पता है, आपका शरीर प्रार्थना से नफरत करता है। जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, आपका शरीर आलसी हो जाएगा, आपके शरीर को कुछ ना कुछ याद आएगा, आपके शरीर को नींद आएगी, नींद आएगी, ऐसी नींद आएगी कि आप अब भी बस सो जाएंगे, और जैसे ही आपने प्रार्थना बंद की और टीवी चलाया, इमीडिएट सारी नींदें गायब हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझना है शैतान की चाल, आपको समझना है कि आपको प्रार्थना ही करनी है, चाहे नींद आए, अपनी आंखों में पानी डालिए, मोबाइल को बंद बंद करके फेंकिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए,
प्रार्थना के जरिए उस तक पहुंचिए, उस पवित्र स्थान में पहुंचिए जहां वो है, उस महापवित्र स्थान में पहुंचिए प्रार्थना के द्वारा जहां परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। इसीलिए उसने आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटाया है, इसीलिए वो आपकी आंखों के सामने से पर्दा हटाता है, और इसीलिए वो कहता है कि जब तुम मेरी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को कठोर मत करो। इसलिए याकूब 1:19 का कहता है, याकूब 1:19 कि इंसान को सुनने में तत्पर होना चाहिए, तत्पर, अलर्ट। बोलो बेटा, याकूब 1:17-19 ध्यान से सुनिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर इंसान सुनने में तत्पर। जब आप कलीसिया आए हैं, आपकी तत्परता आपके साथ होनी चाहिए। पास्टर क्या बोल रहे हैं, ये वचन मेरे जीवन में कैसे काम करता है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है, कौन सा वचन है जो मुझमें मेरी कमियों को निकाल रहा है। हर इंसान को सुनने में तत्पर। अपने पड़ोसी से कहिए कि मुझसे बात मत करे। मैं जब नया नया विश्वासी बना था, मैं न्यू लाइफ में था और मैं अपनी पत्नी के संग जाता था, आज भी मुझे याद है, मैं अपनी पत्नी से कहता था कि मुझसे बात मत करना, बच्चे को लेकर आप वहां बैठे रहो, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम लिसनिंग प्रीचिंग, जब मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूं मुझे डिस्टर्ब मत करना, आपको छींक आ रही है, आपको रोना आ रहा है, आपको बच्चा संभाला नहीं जा रहा, आप उठ के चले जाओ पीछे, मुझे प्रभु का वचन सुनना है। और ये हमें बच्चों को सिखाना है। आज आपके बच्चे अगर आपको अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको इसको देखना है, आपको देखना है, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं कि आपका बच्चा यहां जा रहा है वहां जा रहा है, नहीं, परमेश्वर का वचन चल रहा है, सुनने में तत्पर, परमेश्वर का वचन चल रहा है। कोई आता है धार से चला जाता है ऐसे, अरे भैया परमेश्वर का वचन चल रहा है, धीमे से जाओ। अगर आपकी वजह से कोई भाई अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है खोता है तो किसको जवाब देना है, आपको। अपने बच्चों को सिखाओ, अपनी पत्नी को सिखाओ, अपने पति को सिखाओ कि जब आप बैठे तो तत्परता के साथ बैठे, वो वचन काम करे। यस, कौन सा वचन आज मुझे मिला है, क्योंकि अगर वचन नहीं मेरे भाई मेरी बहन मेरे जीवन में है तो मेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी, जिस आत्मा को जिंदा किया है। हम शरीर के साथ तो कलीसिया में आएंगे, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मेकअप कर कलीसिया में आ जा रहे हैं, हमारा शरीर तो अच्छा है, लेकिन अगर हमारी आत्मा को भोजन नहीं है तो हमारी आत्मा ऐसे आ रही है, हमारी आत्मा नहीं चल पा रही है, क्योंकि हमारी आत्मा के पास शक्ति नहीं है, क्योंकि उसको भोजन नहीं दिया आपने। हेलो, हमें आत्मिक जीवन जीना है, हमें उन बातों की तरफ ध्यान देना है जो स्वर्गीय है। समय बहुत कम है, कभी भी इश्यू आ सकता है, कभी भी इश्यू आ सकता है, इसलिए जो सुनिए उस पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह ने चेलों के साथ जिंदगी बिताई 3.5 साल चेलों के साथ बिताए। अगर आप बाइबल पढ़ें, देखिए बाइबल को समझिए आप, ये 4 जो अध्याय हैं, 4 सुसमाचार के जो अध्याय हैं, इसके टोटल अध्याय हैं 89। टोटल अध्याय कितने हैं? 89। लेकिन सिर्फ 4 अध्यायों में, चारों किताबों के, चारों सुसमाचार के 4 अध्याय में यीशु मसीह के 30 साल तक का जो उम्र है उसका जो वाक्यांश है वो बताया गया है। बाकी 85 अध्याय में सिर्फ 3.5 साल की उनका जीवन जो शैली है वो बताई गई है।
85 अध्यायों में सिर्फ 3.5 साल उन्होंने क्या किया धरती पर वो बताया गया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सब कुछ बताया कि मैं मरूंगा, क्रूस पे मरूंगा, मैं बलिदान करूंगा और 3 दिन के बाद मैं जिंदा हो जाऊंगा। बताया कि नहीं बताया? हालेलुया। लेकिन उन चेलों को याद था? नहीं। लूका 24:36 निकालिए। यीशु मसीह के मरने के बाद जब 3 दिन के बाद जिंदा होए, यीशु मसीह के जो चेले थे वो कोठरी के अंदर बंद थे, कोठरी के अंदर बंद थे, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि महायाजकों ने यह ऐलान कर दिया था कि वो लोग उस देह को चुरा लेंगे। वो डरे हुए थे, वो डरे हुए थे। इतने में क्या हुआ, पढ़िए 24:36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वो कौन? वो यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हो गया। कहां से आया? दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे, वो बीच में आकर खड़ा हो गया। यानी कि वो मर के जिंदा हुआ था। कौन सा शरीर था उसके पास? आत्मिक शरीर था। वो आत्मिक शरीर में उन चेलों के सामने आया। आगे, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। आगे, परंतु वे घबरा गए और डर गए। आमीन। वो डर गए, घबरा गए, वो चेले जिनके साथ यीशु मसीह चलता था, जिनके साथ यीशु मसीह उपदेश देता था, चमत्कार करता था, मुर्दों को जिंदा करता था, वो घबरा गए, वो डर गए। आगे बढ़िए, जल्दी बढ़िए। और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह उनको उपदेश देते थे उनके कान तत्पर नहीं थे, वो सुनते नहीं थे। यीशु मसीह, परमेश्वर क्या कहता, वचन क्या कहता, याकूब का 1:19 कि सुनने में तत्पर रहो। वो तत्पर नहीं थे, वो सुनते नहीं थे। परमेश्वर के दिए हुए वचनों को, यीशु मसीह के दिए हुए वचनों को वो हासिल नहीं करते थे, ग्रहण नहीं करते थे, इसलिए वो डर गए। उन्होंने क्या समझा? ये भूत है। आगे, और तो आगे इसी को रखिए आप संतोष। हाँ, उसने उससे कहा क्यों घबराते हो? हाँ, और तुम्हारे मन क्यों संदेह उठते हो? तुम्हारे मन क्यों संदेह उठते हैं? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता? क्या मैंने तुमको बताया नहीं था कि मैं मर के जिंदा हो जाऊंगा? एक बार नहीं, 7 बार मैंने तुमको बताया था कि मैं मरकर, क्रूस पर मरकर 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। तुम क्यों संदेह करते हो? आगे, मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो। मेरे हाथ, और अब यीशु मसीह ने कहा देखो मेरे हाथ, मैं भूत नहीं हूं, भूत के हाथ पैर नहीं होते हैं, मेरे हाथ हैं। देखो मेरा हाथ, देखो मेरे पैर देखो। अब यीशु मसीह कन्विंस कर रहा है। क्यों कन्विंस कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह इन्हीं 12 के द्वारा, इन्हीं 11 के द्वारा पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपना सुसमाचार फैलाना चाहता है। चेले डर गए। प्रेज द लॉर्ड। हाथ और पैर। आगे, मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो। हाँ, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। क्योंकि भूत के हड्डी मांस नहीं होता है। शैतान कौन है? स्पिरिट है। उसको किसी, उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए। उसके पास हाथ पर नहीं होते हैं। मेरे पास हाथ पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जब आप स्वर्ग में जाएंगे रैप्चर के बाद, तो आपके पास आत्मिक शरीर होगा और उसके हाथ पैर होंगे। हालेलुया। आगे, मुझे छू कर देखो। हाँ, क्योंकि आत्मा, हाँ, यह देख कहकर उनसे उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। हालेलुया, कहकर उसने उसके हाथ पैर दिखाए। आगे, जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे अच्छे करते थे, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अब उसने कहा कि मुझे छू कर देखो, लेकिन छू नहीं रहे, दूर हैं उससे, डर रहे हैं वो चेले जो उसके साथ थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करूं, इनको कैसे मैं यकीन दिलाऊं कि मैं ही यीशु मसीह हूं? उन्होंने सोचा कि अब मैं सोचता हूं, हाँ तुम्हारे कुछ खाने के लिए है? तो उन्होंने कहा हाँ खाने के लिए है। बोलिए आगे, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। हालेलुया, उनसे लेकर
उनके सामने खाया। आमीन। यीशु मसीह ने खाकर दिखाया कि मैं हूं, भूत नहीं हूं, मैं ही यीशु मसीह हूं जो मर के जिंदा हो गया हूं, मैं एक आत्मिक शरीर में हूं। आगे फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा तुम भूल गए, क्योंकि तुमने सुनने में तत्परता नहीं दिखाई। मैंने जिंदा रहते हुए तुमसे ये बातें कही थी कि ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको सुनने में तत्पर होना है, प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कैसे आपके जीवन में काम करना चाहता है। हम सिर्फ अपने शरीर को लेकर आ जाते हैं, नहीं, हमें सुनने में तत्पर होना है। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हें मरने से पहले बताता था कि मैं क्या क्या करूंगा, कैसे मैं जिंदा होऊंगा। यूहन्ना 20:19 निकालिए, देखिए, अगर वो सुनने में तत्पर होते, अगर चेले सुनने में तत्पर होते तो एक इतिहास बनता। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, सुनिए इसको ध्यान से सुनिए। हालेलुया। वो जो चेले थे वो दुबके बैठे थे, एक कोठरी में बंद थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के होते हुए अगर उन्होंने ध्यान से सुना होता कि यीशु मसीह मरने के बाद 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा, तो वो कहां होते, कहां होते, वो कब्र के पास। उस संडे को, उस इतवार को मरियम मग्दलेनी, मरियम और सलोमी के साथ साथ वो वहां पर खड़े होते और वहां पर स्तुति आराधना कर रहे होते। हालेलुया। वो बताते हैं महायाजकों, यहूदियों, ए रोमन्स, देखो मेरा यीशु जिंदा होने वाला है। लेकिन वो सुनने में तत्पर नहीं थे, उन्होंने ठीक से सुना नहीं, और जब सुना नहीं तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, और अगर विश्वास नहीं किया तो उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं होने दिया। हालेलुया। परमेश्वर का यह योजना नहीं थी कि वो काल कोठरी में बंद हो जाएं। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों बताया था कि मैं मरने के बाद जिंदा हो जाऊंगा, ताकि तुम वहां पर आओ और दुनिया को बताओ कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे कहता है, आज यीशु हमसे कहता है, मेरी बहन, मेरे भाई, सुनने में तत्पर हो, अपने कान लगा। जब तू कलीसिया में आता है अपने कान लेकर आ, अपने शरीर को रख छोड़। सर्वोपदेशक 5:1 क्या कहता है, जब आप कलीसिया में आए तो आप अपने आप को तैयार करिए प्रभु के लिए, चौकसी करके आइए, अलर्ट आइए। हम किससे मिलने जा रहे हैं, प्रभु से। हमें प्रभु के वचन सुनने हैं। हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं काम करता है, आपके जीवन में क्यों नहीं काम करता है, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे ना। वो आपके द्वारा इतिहास बनाना चाहता है, वो आपके द्वारा दुनिया में काम करना चाहता है, लेकिन आप सुन नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। चेले सुन नहीं रहे थे और उस काल को उस कोठरी में बैठे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई, हमारा जीवन बहुत कीमती है, हमें उस कीमत को समझना है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिया है। दूसरा यूहन्ना आठ, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसको पूरा प्रतिफल पाओ। अपने विषय में चौकस रहो, सुनो, अलर्ट रहो मेरे भाई। जिस तरीके से हम अलर्ट रहते हैं अपने घर में, आज मेरा पति ये बोल के गया है, मुझे ये करना है भाई, टीचर ने बोला बच्चों को ये काम करा के लेकर आओ, आप बैठे हैं बच्चों के साथ, टीचर सारा काम कर रहे हैं, नहीं, टीचर ने कहा है। आप अलर्ट हैं बच्चों के लिए, आप अलर्ट, अच्छी बात है, पति के लिए अलर्ट है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अलर्ट होना है प्रभु के लिए।
अपने आप को चौकस रहो, क्या मैं प्रभु के लिए चौकस हूं, क्या मैं प्रभु के लिए चौकसी बरतता हूं। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है, आप अलर्ट नहीं है। हम 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 5 साल से प्रभु के चरणों में आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, हम दोष लगाते हैं, कभी प्रभु को, कभी कलीसिया को, कभी पासवान को, हम दोष लगाते हैं कि हमारा काम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सुनने में तत्पर नहीं है, आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर जो चाहता है वो नहीं कर रहे हैं आप। परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा? परमेश्वर मार्ग है, यीशु मार्ग है, आप खुद के मार्ग में, आपके पास दो मार्ग है, एक मार्ग यहां पर है जिसमें आप चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और एक मार्ग हमें यीशु मसीह ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड। इस मार्ग को दिखाने वाला कौन है? कौन है? यीशु मसीह। इस मार्ग को दिखाने वाला कौन है? यह मार्ग हमारा था जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, प्रेज द लॉर्ड। अब हमने यीशु मसीह को पा लिया, लेकिन अभी हम क्या चाहते हैं? कि यीशु हमारे मार्ग में आकर हमारे साथ चले। यीशु मसीह अपने मार्ग को छोड़कर हमारे मार्ग में आए और हमारे साथ चले। यीशु नहीं, यीशु का चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे मार्ग में आए। आपको आशीष कब मिलेगा? अलौकिक जीवन कब आपके जीवन में आएगा? अलौकिक आशीषें आपके जीवन में कब आएंगी? जब आप उसके मार्ग में उसके साथ चलेंगे। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, ये कब वो कहेगा, कब वो पूर्ण होगा? जब आप उसके मार्ग में उसके साथ होंगे। आप अपने मार्ग में रहकर समझते कि उसका हाथ मैंने थामा हुआ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं काम हो रहा यीशु मसीह का हमारे जीवन में, आपके जीवन में? क्योंकि आप अपने मार्ग को नहीं छोड़ना चाहते। और आपका मार्ग कहां है? उसकी सीमा है। आपका मार्ग जिसमें आग है, आपका मार्ग जिसमें कष्ट है, और यीशु मसीह का मार्ग जिसमें जीवन है, जिसमें अनंत काल का जीवन है, जिसमें आनंद ही आनंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल का जीवन है जो ना कभी खत्म होने वाला सुख परमेश्वर आपको देना चाहता है। आप छोटे से सुख में भटक रहे हैं। मेरे पति की नौकरी रहे, मेरे बच्चे को आशीष मिले, मेरे घर मिले रहे, मैं किराया दे सकूं, मेरे कर्जे माफ हो जाएं, आप बस इतने में ही भटक रहे हैं। परमेश्वर आपको अपने मार्ग पर ले जाना चाहता है। परमेश्वर आपको आजादी देना चाहता है, अंधकार से मुक्ति देना चाहता है, ज्योति में लेकर जाना चाहता है, अनंत काल का जीवन देना चाहता है, स्वर्ग का अधिकारी बनाना चाहता है, 1000 साल के लिए आपको इस धरती पर न्यायाधीश नियुक्त करना चाहता है। हालेलुया। क्यों हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा? क्योंकि हम उसकी चाल नहीं चल रहे, हमें उसकी चाल चलनी है। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको सच क्यों बताता हूं? ताकि आपको वो सच सुख दे। हो सकता है कभी कभी आपको मेरी बातें कड़वी लगती होंगी कि पास्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी बच्ची हैं, आप मेरी बेटी हैं। मैं चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आप मेरे बच्चे हैं और मैं एक आत्मिक पिता हूं। अगर मैं आपको सच नहीं बताऊंगा तो मुझे परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा अंतिम समय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के चेले उसकी बातों को समझ नहीं सके। मूसा, परमेश्वर ने चुना था उसको, बचपन से ही परमेश्वर ने उसको चुना। मूसा बड़ा हुआ, परमेश्वर के द्वारा उसने सेविकाई की, 40 साल तक मैदान शहर में रहा और 80 साल तक परमेश्वर का सेवक बना रहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
मूसा के द्वारा अद्भुत चमत्कार किए परमेश्वर ने, अद्भुत चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए कि आज तक किसी के साथ इतने चमत्कार नहीं किए। इतनी बड़ी सेविकाई मूसा की थी कि आज तक इतनी बड़ी सेविकाई किसी की नहीं हुई है, ना ही होगी। इतनी बड़ी सेविकाई मूसा की थी, लेकिन मूसा ने एक बार परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना। जब उस जंगल में पानी खत्म हो गया था, इज़राइलीज़ आए और कुड़ने लगे, वो मूसा के पास आए कि मूसा हमें पानी दे, तो हमें कहां पर लेकर आ गया है, मारने के लिए? तब परमेश्वर ने उसे कहा, जाओ निर्गमन 17:6 और उस चट्टान पर लाठी मारो और तुम्हें परमेश्वर पानी देगा। हालेलुया। लेकिन एक बार फिर नंबर्स में, गिनती में 20:8 और 11:12 अगर हम पढ़ेंगे, उस समय पता लगेगा कि एक बार फिर इज़राइल के लोग मूसा के पास आए, कुड़कुड़ाने लगे, यहां भी पानी नहीं है तो यहां पर लेकर आया हमको, हमें पानी दे, हमें मार मत। मूसा परमेश्वर के पास गया और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे पानी दे। गिनती नंबर्स 20:8, हालेलुया, जल्दी पढ़िए नंबर्स 20:8। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उस उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, उस चट्टान से बातें कर। क्या कहा परमेश्वर ने? बातें कर, लाठी मत मार। प्रेज द लॉर्ड। उस चट्टान से बातें कर, आगे इस प्रकार तू प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। प्रेज द लॉर्ड। इसी का 11:12। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। और एक मिनट, परमेश्वर ने लाठी के लिए मना किया था, यही होता है हमारे जीवन में, यही होता है कि हम समझते नहीं है वचन को, हम सुनते नहीं है ध्यान से उसके वचन को। परमेश्वर कभी गलत नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर कभी इधर उधर की बातें नहीं करता है। कभी भी यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उसके मुंह से गलत निकला हो। हमेशा जो भी उसने कहा है उसने सोच समझ कर कहा है। उसने मुंह खोलकर बोला, Matthew 5:1 अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मत निकालो वचन, कि यीशु मसीह ने मुंह खोलकर वचन बोले, यानी कि सोच समझ कर बोला। परमेश्वर कभी ऐसी बात नहीं करता। उसने कहा चट्टान से बात कर। अगर मूसा चट्टान से बात करता और चट्टान पानी देता तो सोचिए आज क्या इतिहास बना होता। हालेलुया, ये कितना बड़ा चमत्कार था, कितनी महिमा थी इस चमत्कार से परमेश्वर की। मूसा ने कहा और चट्टान माना, पत्थर माना, पत्थर बोले। 12 पढ़िए। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मूसा को परमेश्वर ने चुना था कि इसराइलियों को लेकर प्रॉमिसिंग लैंड में जाए, लेकिन एक बात मूसा ने नहीं मानी, नहीं सुनी, उस पर अमल नहीं किया। सोचिए मेरी बहन, आज हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। आज हम कहां पर हैं? अनुग्रह के सिंहासन के सामने। Hebrews 4:16 निकालिए। आज हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने, हम बहुत गलतियां करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें माफ करता है, फिर भी परमेश्वर हमें चांस देता है, फिर भी परमेश्वर हमें अपना बना के रखता है। इसलिए उस अनुग्रह को वेस्ट मत करिए, उस अनुग्रह की कीमत को समझिए, परमेश्वर की कृपा की कीमत को समझिए कि परमेश्वर ने आप पर कृपा की है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में संकट आकर भी निकल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
शैतान हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है, गिरने से बचाता है, चोट लगने से बचाता है, शैतान के चंगुल में फंसने से बचाता है वो, क्योंकि उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है। हमें उसकी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने देना है, उस पर विश्वास करना है। क्या लिखा हुआ है इब्रानियों 4:16? इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। आओ, एक मिनट, हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर, वाचा बांधकर चले। हमें चलना है, हमें रुकना नहीं है। हमें परमेश्वर ने आत्मा दी है, हमें परमेश्वर ने काम दिया है। हम अपने घर के काम, दुनिया के काम, पति के काम, पत्नी के काम, अपने सारे कामों को हम अहमियत देते हैं। प्रभु के कामों को अहमियत दो। इसलिए उसने कहा है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को अलर्ट करो। सिंहासन के सामने हमें चलना है, हियाव बांधना है, दृढ़ करना है अपने आप को, और ये हमें ही करना है। हम हर चीज चाहते हैं कि परमेश्वर करे। मैं सच कह रहा हूं, हमारी बहुत बड़ी कमी है ये। हम जब परमेश्वर को पा लेते हैं, परमेश्वर मेरे मन से गलत भावना को दूर कर दे, वेरी गुड। परमेश्वर मुझे गुस्सा दूर कर दे, परमेश्वर व्यभिचार की दुष्टात्मा मुझसे दूर कर दे, परमेश्वर लालच मुझसे दूर कर दे। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने प्रार्थना की, लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। परमेश्वर आपको शक्ति कब देगा? जब आपके सामने 1,000 रुपए आए किसी के गिरे हुए हैं और आपके मन में लालच नहीं है, हाँ नहीं ये मेरा नहीं है, बहन ही आपका है। Praise the Lord। परमेश्वर आपके जीवन में कब काम करेगा? जब आप हियाव बांधकर उसके लिए चलेंगे। आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। Praise the Lord। हम क्या कहते हैं? बस हमने प्रार्थना कर ली कि परमेश्वर मेरे मन से लालच को निकाल दे, गुस्से को निकाल दे, और मुझे बस हम बैठे हैं। परमेश्वर मेरे घर में खाना नहीं है, मुझे खाना दे, मुझे नौकरी दे। अब नौकरी मांगी आपने घर में बैठे, मिलेगी? नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा नौकरी के लिए। Praise the Lord। लेकिन उसमें परमेश्वर आशीष देगा आपको जब आप जाएंगे तो। मैं आपके वचनों को समझ रहा हूं, मान रहा हूं, और मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं, नहीं। विश्वास के संग कर्म जरूरी है। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, याकूब 2:26 में, कि बिना विश्वास के, बिना कर्म के विश्वास मृत है, मृत है। अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं विश्वास के साथ साथ, तो मृत है। इब्राहिम ने विश्वास किया है परमेश्वर पर कि मेरा परमेश्वर उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, यहोवा राफा है, यहोवा रोही है, और वो लेकर अपने बेटे को गया, अपने बेटे को बलि करने के लिए उसने उस सेज पर लिटा दिया, उसने काम किया, तभी उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। इब्राहिम ने काम किया, उत्पत्ति 22:5 अगर लेकर चलेंगे, 22:5 से लेकर 18 तक उसने काम किया। वो जानता था परमेश्वर कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर मुझे वादा कर चुका है, परमेश्वर मुझे दिखा चुका है चांद सितारे के, जितने भी सितारे हैं, जितने भी रेत हैं, उतना तेरा वंश होगा। वो जानता था कि मुझ पे इस पिता ने मुझे दिया और ये पिता मुझे फिर भी देगा, हालेलुया। लेकिन उसने विश्वास किया और कर्म किया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि अपने बेटे को बलि कर, मेरे लिए अपने बेटे को बलि कर। परमेश्वर चाहता है कि आपका, परमेश्वर आपके कर्म को देखना चाहता है। आप समझ नहीं रहे, देखिए परमेश्वर के मन को समझिए। यहां परमेश्वर एक प्रकाशन दे रहा है। 3 दिन का रास्ता था इब्राहिम के पास, अपने बेटे को लेकर जा रहा था वो मौर्या पर्वत पर, मौर्या देश में उस पर्वत के पास
तीन दिन का रास्ता अपने बेटे को लेके जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इस तीन दिनों में देखता हूं ये अपने बेटे के नजदीक आता है या मुझे छोड़ता है। तीन दिन तक इसके मन में प्यार उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है, अकेला जा रहा है, कोई नहीं। और पिता बेटा पूछता है बाप से कि पापा कौन है वहां पर जिस किसका बलिदान करेंगे आप? पापा कोई बकरा तो आपने लिया नहीं। हालेलुया, अच्छे अच्छे पिता का कलेजा फट जाएगा, वो फूट फूट के रोएगा, वो पिता से गिड़गिड़ाएगा, पिता मत कर ऐसी परीक्षा। लेकिन वो एक पल भी डटा रहा, हटा नहीं। प्रिंस अलॉट, तीन दिन का रास्ता उसने चुना, तीन दिन का रास्ता उसने पूरा किया और विश्वास के संग आया। अरे परमेश्वर ने हमें आज चुना है, हम चाहते हैं कल हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाए। हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमारे अंदर धीरता नहीं है। हम जब अपने घर से कलीसिया के लिए चलते हैं वो रास्ता हम कैसे बिताते हैं? जब घर से हम निकलते हैं कलीसिया की तरफ वो रास्ता हम कैसे बिताते हैं? क्या उस रास्ते में परमेश्वर हमारे साथ होता है? क्या उस रास्ते में परमेश्वर के लिए भूख हमारे अंदर होती है? घर से हम किस मन से निकलते हैं? कौन सा मन? लड़ाई करके निकलते हैं, नहीं नहीं तो नहीं जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आज नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। अरे किसके लिए मना कर रहे हैं? प्रभु के लिए। कौन से मन से आप अपने घर से निकले हैं पिता से मिलने के लिए? ये चीज बताएगी कि परमेश्वर आपको क्या देगा और आप क्या लेंगे। हम तो परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, अरे हम अपने मन को परमेश्वर को नहीं देते हैं। हमें संडे को जाना है प्रभु के घर, शनिवार की रात हमारी कैसे गुजरेगी? हालेलुया, बहुत जरूरी है मेरी बहन, प्रभु के घर में आने से पहले हमारा मन कैसा है, वो बोझ है कि नहीं है, वो प्रभु का प्रेम है कि नहीं है, वो तड़प है कि नहीं है। और जब वो तड़प होगी, जब वो भूख होगी, तो आप सुनने में तत्पर होंगे कि मेरा प्रभु क्या कह रहा है, कौन सा वचन ये मेरे लिए है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया, और तब देखिए आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता है। मैं चैलेंज करता हूं, आपको चुनौती देता हूं, आपको उत्साहित करता हूं। अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता तो अपने आप को जांचिए, अपनी चौकसी करिए, अपने मन को देखिए कि किस मन से आप आ रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए, इस समाज को दिखाने के लिए, या वाकई आप प्रभु से प्रेम करते हैं। आपका मन, आपकी मन की स्थिति आपको बताएगी, और सच्चाई से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहती है कि अगर तुम आज मेरे वचनों को सुनो, मेरी आवाज को सुनो, तो अपने मन को कठोर मत करो। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस वचन को हम अपने अंदर ग्रहण करें, तत्पर रहें और हमेशा उसकी आवाज सुनने के लिए अपने मन को लगाएं। उससे कहें कि पिता, उससे कहें पवित्र आत्मा कि तू जो ज्ञान हमें देना चाहता है तू हमारे अंदर है, तू मेरे अंदर है, और वो ज्ञान जो तेरे द्वारा मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिले। मेरे अंदर जो अवगुण है, मेरे अंदर जो संसार है वो निकले, ताकि मैं उस ज्ञान को हासिल कर सकूं और मैं तेरे योग्य बनूं, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। जिस तरह मैं अपने पति की आवाज सुनती हूं, बच्चे की आवाज सुनती हूं, पति की पत्नी की आवाज सुनती हूं, संसार की आवाज सुनती हूं, नहीं, इससे पहले मुझे तेरी आवाज सुनाई दे, तेरी आवाज सुनाई दे, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहती हूं। परमेश्वर आपको बदल देगा, आप अपने आप को महसूस करेंगे बदला हुआ, आप महसूस करेंगे एक शक्ति आपके अंदर आ गई है। ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। सच मानिए, परमेश्वर आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहता है, हम नहीं जानते हैं। प्रचारक रोज नया नया प्रकाशन मांगते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर जो जो तूने पौलुस को पत्रस को प्रकाशन दिया है, अगर मैं उसी को अच्छी तरह समझ लूं और उसके अनुसार जीवन को बिताऊं, मैं बहुत परमेश्वर का आशीष पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जो इसमें लिखा है, जो पौलुस को प्रकाशन दिया, उसको मैं समझ लूं। वो क्या कहना चाहता है कि यीशु मसीह के उस प्यार को, उस रहस्य को जानूं। इसलिए वो कहता है कि मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, हे पिता मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं तेरी बुलाहट की आशा को जान सकूं, ताकि मैं तेरे महान गुणों को प्रकट कर सकूं। परमेश्वर के महान गुण हमारे द्वारा प्रकट हों, यही उसकी आत्मा चाहती है।